विनीत अगेन, मुझे पता है मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूं। कारण यह है कि कुछ जबरदस्त चीजें में बिजी था। दो हमने एक जबरदस्त आइडियाज लगाए हैं, इट्स वर्किंग रियली वेल फॉर पीपल, लोग बहुत बेनिफिट उठा रहे हैं उसका। लेकिन उसके पहले मैं बताता हूं कि मेरे को उसका इंस्पिरेशन कहां से मिला। तो This is a book. अगर आपने ये बुक पढ़ी हो, दीपक चोपड़ा की, बहुत पतली बुक है, नहीं पढ़ी तो पढ़ी है, हार्डली 100 पेजेस की बुक है, और इट्स कॉल्ड सेवन स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, आध्यात्मिकता के सात नियम। तो सबसे पहला नियम पे जो बात करता है दीपक, उसी से हमने इंस्पायर होके नई चीजें करनी शुरू करी, और वो है लॉ ऑफ पोटेंशियलिटी। सारी दुनिया का पावर, सारी दुनिया की पोटेंशियल हमारे अंदर है। कैसे? तो मैं लॉ ऑफ पोटेंशियलिटी को समझाने के लिए आपको कोई भाषण नहीं देने वाला, बोर नहीं करने वाला, आपको एक स्टोरी सुनाता हूं जो आपको अच्छा लगेगा। एक बार एक आदमी लंबी वॉक करता है, चलते 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 अचानक ही स्वर्ग में पहुंच जाता है। थकावट महसूस होती है, सोचता है यार अगर सोने को मिल जाता तो बड़ा अच्छा था। तभी अचानक देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है, नीचे घास बिछा हुआ है, बिस्तर की तरह, जैसे उसको बुला रहा हो उसको जाओ, सो जाता है। 8 घंटे बाद उठता है, देखता क्या है, देखता है कि वाह ऐसी नींद तो मैं कभी सोया ही नहीं, बट भूख बड़ी जोर की लग रही है, काश मुझे खाना मिल जाता। अचानक उसके चारों तरफ जिंदगी में जो भी सोचा होगा सब खाने, जो भी उसके विचारों में आता सब खाना से आसपास होता है। भूखा आदमी कभी क्वेश्चन नहीं पूछता, फटाफट खाना खाता है, लेकिन थोड़ी देर में उसे प्यास लगती है, फिर वो सोचता है कि काश मुझे पानी मिल जाता, पीने के लिए कुछ मिल जाता। हर तरह का पेय उसके पास होता है, पानी से, दूध से, हनी से, अल्कोहल से, हर चीजों का पीने को मिल जाता है, मजेदार तरीके से पीता है। लेकिन अब खाना हो गया, पीना हो गया, सोना हो गया, यहीं पे अगर मेरा माइंड ऑर्गेनाइज नहीं है, माइंड ट्रेंड नहीं है, तो जो मेरा जो दिमाग है वो बंदर की तरह करने लगता है, या तो छलांग मारता है या वो कॉपी करता है। ये मैं नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, वही होता है उसके साथ। और उसके दिमाग में छलांगे आने लगती है, वो सोचता है कि ये कैसे हो रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ जरा, मैं सोने को बोल रहा हूँ, सोने को मिल जा रहा है, खाने को सब मिल जा रहा है, पीने को सब मिल जा रहा है, क्या हो रहा है, जरूर आसपास कोई भूत है। मुड़ के देखता है चारों तरफ भूत होते हैं, कहता है अरे भैया ये तो भूत मुझे मार डालेंगे, तो भूत मुझे टॉर्चर करेंगे, टॉर्चर करने लगते, अरे नहीं नहीं तो मुझे मार देंगे, मार देते। वो आदमी मरते हुए सोचता है कि यार मैं सोचा था सबसे किस्मत वाला आदमी हूँ, लेकिन अब लगता है मेरे जैसा बदकिस्मत कोई है नहीं। ऐसा क्यों हुआ, सोच के देखिए। वो इसलिए हुआ क्योंकि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। कल्प वृक्ष मतलब एक ऐसा पेड़ जिससे आप जो चाहो वो मांग सकते हो। शास्त्र में कहा गया है कि वो कल्प वृक्ष कहीं किसी जंगल में नहीं, वो हमारे अंदर। दीपक चोपड़ा भी उसी की बात करते हैं कि वो सारा जो पावर है, वो जो सारी एनर्जी है हमारे अंदर है। तो हमको करना क्या है, हमको सिर्फ एक ऑर्गेनाइज करना, अपने माइंड को बैलेंस करना। जैसे आप माइंड, इमोशंस, एनर्जी, बॉडी, इसके बीच में बैलेंस ले आते हो, तो वही काम जो आपको बहुत मेहनत से करना पड़ रहा है, आप उंगली उठाने तक से ही काम हो जाएगा। बट कैसे करें, सुनना तो आसान है कि ठीक है हम अपने को बैलेंस करते हैं, सब चीजों में बैलेंस लेके आते हैं, बट कैसे करें। उसी के लिए जब मैंने मेरे मेंटर विजय के कुछ वर्कशॉप्स देखे जिसमें उन्होंने ड्रीम्स की बात करी, पर्पस की बात करी, गोल्स की बात करी, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर बहुत बदलाव आया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया क्यों ना ऐसे सेशंस दूसरों के लिए करें। विजय IIT मद्रास से पास आउट है, उन्होंने लगभग सिर्फ 6 लोग भारत में हैं जिस जो सर्टिफाइड जॉन मैक्सवेल कोच है उनमें से एक वन, और उन्होंने रिक्वेस्ट को माना, और पिछले 3 वीक से हम लोग कर रहे हैं। Response is amazing. Almost 500 लोग हर वीक कनेक्ट कर रहे हैं, सबका जीवन ट्रांसफॉर्म हो रहा है।
और साथ ही दूसरा इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है कि लोग सीख तो लेते हैं, जैसे वहां से बुक्स रिकमेंड होता है, कुछ लर्निंग्स होता है, कुछ असाइनमेंट्स होते हैं, वो कर नहीं पाते, तो उसके लिए एक हमने छोटा ग्रुप में एक बुक क्लब स्टार्ट किया है स्पीकिंग बुक्स बोल के, और जिसमें अगेन हम लोगों को हेल्प करते हैं नॉट ओनली फ्रॉम बुक सिर्फ बुक रीडिंग की तरफ से नहीं बट पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि जब वो पढ़ते हैं 3 मिनट की समरी 20-25 लोगों के सामने देते हैं तो उनकी जो पब्लिक स्पीकिंग वो भी इम्प्रूव हो जाती है, और साथ में माइंड सेट तो डेवलप हो ही रहा है, बैलेंस तो बना ही गया। तो इवन दो हमने दोनों को ऑलमोस्ट फ्री रखा हुआ है, लेकिन अगर आप एक्चुअली इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, माइंड को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो एक बार मुझे मैसेज कीजिए, एक बार हम बात करेंगे एक्चुअली आप उस जोन में हैं क्या, आपको कुछ समझ में आएगा क्या। अगर आप ऑलरेडी एक फुलफिलिंग जिंदगी जी रहे हैं शायद आपके लिए ना हो, बट अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं जहां तक जा सकता हूं लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूं, तो पोटेंशियल्स मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं, तो आई एम श्योर आपको हेल्प करेगा। तो हम बात करेंगे और लगेगा कि वो मैच कर रहा है तो मैं इनवाइट करूंगा और आप उसका पार्ट बन सकते हैं। विवेकानंद भी कहते थे शिव हम ही हैं, हमारे अंदर ही वो सारी शक्तियां है, हमारे अंदर ही वो कल्प वृक्ष है, ढूंढना है बस, कोशिश करनी है, डरना नहीं है, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना है। आइए कल्प वृक्ष को ढूंढे। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। नीचे मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, क्या आप भी इसका पार्ट होना चाहते हैं। थैंक यू, बाय बाय।